हेलो, मेरा नाम है धर्मपाल और आप सभी देख रहे हैं स्टडी हार्ड यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो कुछ अलग है। ये वीडियो कि जो बच्चे गांव के हैं, जो देहात साइड से बिलोंग करते हैं, जिन्हें इंग्लिश में इतनी कमांड नहीं है, वो ये सोचते हैं कि कौन से फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड हैं जो उन्हें पता होने चाहिए, तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसे जिन पे आप डेली यूज़ पे आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वर्ड ऐसे हैं कि आप इनका डेली यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं पहला वीडियो। देखिए, पहला है कि की मतलब होता है ऑफ, ठीक है। दूसरा, और अक्सर हम यूज़ इस्तेमाल करते हैं कि मैं और, मतलब मी एंड यू, एक मतलब आ मतलब वन, सिंगल वन हो गया। फिर हम यूज़ करते हैं तक, मतलब टिल या अप टू में आप इसकी इंग्लिश कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होता है मैं मतलब इन, एक होता है मतलब इज़, एक होता है आप, जो कि हम किसी फॉर्मली जगह यूज़ करते हैं कि आप वहाँ चलोगे, या यू हो गया आप, ठीक है। फिर हो गया की मतलब डैट, ये है कि यूज़ करते हैं तुम मुझे बताओ की, मतलब यू टेल मी दैट, ठीक। उसके बाद हो गया ये है मतलब इट। दसवां मतलब ही, ये एकदम नॉर्मल वर्ड हैं, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, पर लोगों को इसका अनुवाद नहीं आता, इसका ट्रांसलेशन नहीं आता, उस वजह से वो टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कम्युनिकेशन के मामले में। क्वेश्चन नंबर वर्ड नंबर 11 है कि था मतलब वॉज, इट वॉज अ डे, वो एक दिन था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12वां वर्ड है यहाँ पे लिए, मतलब उसके लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए ये चीज़ है, फॉर यू, ठीक। पर मतलब ऑन, मैं इस पर निर्भर करता हूँ, आई एम डिपेंड ऑन यू या आई एम डिपेंड ऑन डैट, ठीक। आप इन्हें नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यूज़ करिए, इनके सेंटेंस बनाइए, तो आपकी कम्युनिकेशन कुछ हद तक इम्प्रूव होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इन 100 वर्ड को पढ़ के एकदम इंग्लिश में मास्टर हो जाएंगे, पर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है केवल, मतलब तुम ही केवल इस चीज़ की वजह हो, यू आर द ओनली थिंग, ठीक, यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्वेश्चन नंबर 15 है सदा, मैं सदैव तुम्हारे लिए, मैं सदैव तुम्हारे लिए हूँ, आई एम ऑलवेज़ फॉर यू, ठीक। उसके बाद साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम ऑलवेज़ विद यू, ठीक, दोनों चीज़ें आ गई। 17 मतलब उसके, मतलब हिज। फिर हम यूज़ करते हैं वे लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक, दे हो गया। मैं मतलब आई, मैं यहाँ पे अपनी बात कर रहा हूँ। वर्ड नंबर 20 है बाद, तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, आफ्टर यूज़ करते हैं हम, या मेरा घर इस गली के बाद है, ठीक। उसके बाद 21 होना मतलब बी। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया बार, खाना मतलब टू ईट या फूड, ठीक। उसके बाद हो गया 23वां मतलब माँ मतलब मदर। 24वां हो गया से, मैं यहाँ से घर जाऊँगा, ठीक। 25वां हो गया या मतलब और। तो ये नॉर्मल आप वर्ड बनाइए, नॉर्मल खुद से ट्रांजेक्शन करिए, खुद से वर्ड बनाइए, लिखिए कॉपी में अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है। ये वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है या जिनका कम्युनिकेशन थोड़ा सा ठीक भी है। जिनका कम्युनिकेशन 30-40% ना, उनके लिए वीडियो नहीं है। बट जो लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है कम्युनिकेशन के मामले में, ये वीडियो उनके लिए है। पढ़ाई लिखाई सबकी आपकी अपनी जगह है, पढ़ाई लिखाई होना अच्छी बात है, बट अगर आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन में लेस हैं या आप उतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है कम्युनिकेशन में, तो कम्युनिकेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। जैसे 26वां हो गया नाम मतलब नेम, घर मतलब होम, द्वारा, ठीक, इसके द्वारा ये चीज़ हुई है, ठीक। थ्रू शब्द मतलब किसी, कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर पाते, शब्द का मतलब नहीं पता होता लोगों को, तो वो होता है वर्ड। एक मतलब नो, क्या मतलब व्हाट, सब मतलब ऑल, हम सब, वी ऑल, वर हम वहाँ गए थे, वी वर, ओके। हम मतलब रिटर्न एज हम मतलब वी, यहाँ बात हो रही है प्लूरल की मतलब बहुवचन। उसके बाद जब, व्हेन, जब हम वहाँ गए थे, व्हेन। आपके मतलब हम आपके, योर्स, भाषा, किसी भी पर्टिकुलर भाषाओं को हम लैंग्वेज कहते हैं इंग्लिश में। कहाँ, कहा मतलब उसने कोई चीज़ कही, ही सेड, उसने कहा, ही सेड। वहाँ, तुम वहाँ गए थे, यू गो देयर। उपयोग मतलब किसी भी चीज़ का उपयोग करने के लिए पता नहीं होता कि मुझे उसको यूज़ क्या करना है, यूज़ है उसका उपयोग। देश मतलब कंट्री या लैंड। उसके बाद हो गया प्रत्येक मतलब एवरी, ठीक, प्रत्येक कोई भी प्रत्येक चीज़, एवरी थिंग। जो मतलब हु। फिर हो गया हमारा मतलब आर। करना मतलब टू डू, हम ये कार करेंगे, टू डू, कैसे, हाउ, हमें कार करना है, कैसे करना, हाउ। उनके मतलब देयर, अगर, अगर उसने कहा, इफ़ दे सेड, अगर उसने कहा, इफ़ दे सेड, विल बी,
ऊपर, ऊपर के दो मतलब होते हैं, ऑन होता है या अबव होता है, अन्य मतलब अदर, के मतलब ऑफ, उधर मतलब देयर, बहुत मतलब वेरी, फिर मतलब अगेन, उन मतलब देन, इन, इन मतलब दीज हो गया, ठीक। इसलिए बिकॉज ऑफ डैट हम कहते हैं ना, मैंने ये काम इसलिए नहीं किया, आई एम नॉट डू दिस वर्क बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण मैंने ये काम नहीं किया, कुछ मतलब सम, कुछ चीज़ें, आई नो समथिंग, ठीक है, कहते हैं ना उसे मतलब टू हिम या टू हर, उसे भी हो सकता है या पुल्लिंग भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, अच्छा मतलब गुड या वेल या नाइस, बनाना, मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ तो उसको हम बिल्ड करना भी कहते हैं या कंस्ट्रक्ट करना भी कहते हैं, ये बनाना बेसिकली कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, जैसा उसने ऐसा करा, एज लाइक, बोला, स्पोकन, सुना, हर्ड, समय मतलब समय अंतराल, टाइम की बात हो रही, अवधि की बात हो रही किसी, यहाँ पे सामने मतलब इन फ्रंट, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ या मैं तुम्हारे सामने, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, देखना, टू लुक, कम मतलब लेस, अधिक मतलब मोर, मुझे कोई चीज़ अधिक खानी है, आई वॉन्ट टू ईट मोर, मुझे और खाना खाना है, लिखना, टू राइट, मैं ये चीज़ लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट समथिंग, जानना, टू गो, धन्यवाद मतलब किसी भी चीज़ को धन्यवाद देना या किसी भी चीज़ का अभिनंदन करना, उसे हम थैंक यू कहते हैं, संख्या मतलब पर्टिकुलर काउंट या नंबर, कोई मतलब समवन या समथिंग, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई मनुष्य भी हो सकता है, रास्ता मतलब पर्टिकुलर वे, सका, कुड, ये मिसलेनियस हो गया, मैस्कुलिन हो गया सॉरी, ठीक, लोग मतलब पीपल, मेरे मतलब माइंड, ठीक, गया, गॉन, पहले मतलब बिफोर, पानी मतलब वाटर, ये सभी को पता है पानी मतलब वाटर, तो किया, तुमने कार्य किया, यू डन दिस, यू डन, ठीक, पीना, टू ड्रिंक, कौन मतलब हु, वो लोग, हु पीपल, तुम कौन हो, हु यू आर, दो मतलब गिव, दो मतलब मुझे ये चीज़ दो, या दो मतलब संख्या वाला दो, टू, अब मतलब नाउ, बी मतलब ऑल्सो एज वेल टू, दोपहर मतलब नून, नीचे मतलब बिलो, दिन मतलब डे, रात मतलब नाइट, ये सभी को पता है, मिल मतलब मिलना या मीट हो गया, ठीक, फ्यूचर में आप कह सकते हैं वी विल मीट, हम मिलेंगे, ठीक, आना मतलब टू कम या कम, बनाया मतलब बिल्ड, फिर से बिल्ड हो गया, ठीक, आराम मतलब रेस्ट, अब आराम भी दो तरीके के होते हैं, अगर दिन का आराम है तो सीएस्टा उसे बोलते हैं, दिन का आराम है तो सीएस्टा बोलते हैं, भाग मतलब मैं इस चीज़ का भाग हूँ तो आई एम द पार्ट ऑफ इट, ठीक, सुबह मतलब मॉर्निंग सबको पता हो, सोना मतलब टू स्लीप या गोल्ड, तो ये 100 कुछ ऐसे वर्ड हैं जो नॉर्मल हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं पर बहुत से लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता, बेसिकली जो लोग गांव या देहात साइड के होते हैं, जो कस्बों में रहते हैं छोटे, जिनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, उनके पास नेट है, तो आप ये वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, अगर हेल्पफुल है तो उसको शेयर करिए, जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, स्टडी हार्ट चैनल पे वीडियो अभी कम आया क्योंकि कुछ पारिवारिक इशू चल रहा था मेरे घर पे, इस वजह से मैं वीडियो आपको नहीं दे पाया, पर पूरी कोशिश है कि अब अगले कुछ दिनों में आपको वीडियो पूरे मिलें, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और स्टडी हार्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई बातें लेके, कुछ नए वीडियोज़ के साथ, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, ये वीडियो रात में पोस्ट किया क्योंकि अभी फ्री हुआ हूँ तो मैंने दिमाग में आया कि कुछ आपके लिए ऐसा बनाया जाए, मिलता हूँ मैं कल एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।